दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है, तो आइए एक नजर डालते हैं आज की नजर लाइव पर। कटारिया कुलपति विवाद विधानसभा पहुंचा, कटारिया ने विधानसभा में पूछा कुलपति ने कितने कर्मचारियों को नोटिस दिए, क्या ये सिर्फ डराने के लिए थे। शादी के 3 दिन बाद प्रेमी संग भागी लूटी दुल्हन, बॉयफ्रेंड को भाई बनाकर लाई थी, विदाई के बाद युवक होटल में रुका, दोनों पकड़े। चित्तौड़गढ़ किले के महल से मुनादी, सुनो सुनो चित्तौड़ में भूकंप आ गया है, भूकंप के झटके आए और इससे इमारतें आदि गिरने लगे। बांसवाड़ा में शादी के 15 दिन बाद साले और जीजा में हुई गुत्थम गुत्था, लात और घूंसों और लट से अधमरा कर दिया, बहन को भी जबरदस्ती लेकर गया। अलवर में बॉलीवुड सॉन्ग पर निकली 105 वर्षीय महिला की अंतिम यात्रा, 7 पीढ़ी देख चुकी थी, 11 पोते पड़ पोते पुलिस में, शव यात्रा में पूरा गांव शामिल हुआ। बार एसोसिएशन सलूम्बर के अधिवक्ताओं ने काम का बहिष्कार कर धरने के साथ किया प्रदर्शन। सलूम्बर हाईकोर्ट बेंच खंडपीठ के टीएसपी क्षेत्र में या उदयपुर स्थापित किए जाने की रखी मांग। गरीब के गेहूं पर टाका, 131 टन गेहूं का किया था गबन, मामले में सहायक प्रशासनिक अधिकारी गिरफ्तार। आचार्य सरमति सागर महाराज के अवतरण दिवस पर गिंगला में हुआ मुख्य वेदी का शिलान्यास और 2 जैनेश्वरी शिक्षाएं, विभिन्न धार्मिक ग्रंथों का हुआ विमोचन। सेदरी गांव से स्कूल पहुंचने के लिए 20 लाख की सड़क बनाने की सांसद ने की घोषणा। जिला बनाओ संघर्ष समिति सलूम्बर ग्रामीण के द्वारा उपखंड कार्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सलूम्बर को जिला बनाने एवं सलूम्बर दरियावद मार्ग पर रोडवेज बस का संचालन की रखी मांग। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आए और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें, हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी से जुड़ा मसला अब राजस्थान विधानसभा में पहुंच चुका है। उदयपुर शहर के विधायक और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सुखाड़े यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह के खिलाफ विधानसभा में कई प्रश्न लगाए हैं। कटारिया ने इसमें कुलपति की यूनिवर्सिटी में नियुक्ति से लेकर कुलपति के यूनिवर्सिटी के शिक्षकों के साथ हुए विवादों से जुड़े कई प्रश्न लगाए हैं। इन प्रश्नों में कटारिया ने सुखाड़े यूनिवर्सिटी से कुलपति के संबंध में जानकारी मांगी है। जो प्रश्न वहां पर रखे गए थे वो कुछ इस तरह से है। पहला प्रश्न, क्या मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय के कुलपति अमेरिका सिंह की नियुक्ति दिनांक से लेकर अब तक यूनिवर्सिटी के कितने शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को किन किन प्रशासनिक कारणों से किन किन नियमों के अंतर्गत नोटिस दिए गए, नोटिस के दिनांक और उस पर अब तक हुई कार्यवाही का विस्तृत ब्यौरा सदन की मेज पर रखें। प्रश्न नंबर 2, क्या ये सही है कि इन शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को नोटिस केवल उन्हें भयभीत करने और दबाव में लाने के लिए दिए गए, यदि नहीं तो अब तक कितने लोगों को उनके कर्तव्य निर्वहन में कमी के कारण दंडित किया गया, विवरण प्रत्येक कर्मचारी के अनुसार सदन की मेज पर रखे जाएं। प्रश्न नंबर 3, क्या मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय के कुलपति अमेरिका सिंह प्रोफेसर पद की 10 वर्ष की योग्यता रखते हैं, यदि हाँ तो उसका विवरण कब से वे प्रोफेसर हैं और किस विषय के प्रोफेसर हैं और किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं, विवरण सदन की मेज पर रखा जाए। प्रश्न नंबर 4, क्या ये सच है कि राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुलपति बनने के लिए अधिनियम में संशोधन करके 10 वर्ष के प्रोफेसर होने की योग्यता का सत्यापन किस स्तर पर और किसने किया, यदि यह सत्यापन असत्य है तो इनके विरुद्ध कानूनन क्या कार्यवाही की जा सकती है। प्रश्न नंबर 5, क्या प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने उदयपुर में कुलपति बनने के पूर्व ऐसा शपथ पत्र पेश किया था कि उन पर किसी भी प्रकार का आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं है, यदि आपराधिक प्रकृति का ऐसा कोई प्रकरण आज भी लंबित हो तो गलत सूचना देकर इस उच्च पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही रखेगी। दरअसल सुखाड़ा यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के बीच विवाद चल रहा है। पिछले महीने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार सीआर दिवासी के साथ निजी कॉलेज संचालकों और कुछ छात्रों के मारपीट और अभद्रता करने के बाद यह विवाद बढ़ा। कटारिया खुलकर रजिस्ट्रार के समर्थन में आए और कुलपति पर कई आरोप लगाए। इसके बाद से लगातार दोनों के बीच जबानी जंग चल रही है और इस बीच बीजेपी लगातार कुलपति पर हमलावर है। उदयपुर में शादी के 3 दिन बाद ही 4 लाख रुपए और ज्वेलरी लेकर लुटेरी दुल्हन बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। शादी में बॉयफ्रेंड को भाई बनाकर लाई थी, शादी के बाद युवक होटल में रुका, पुलिस ने लुटेरी दुल्हन के साथ उसके बॉयफ्रेंड को भी पकड़ लिया है। पुलिस मामले में 2 बिचौलिया की तलाश कर रही है। डीएसपी जितेंद्र आंचलिया के अनुसार मार्बल फैक्ट्री के सुपरवाइजर कमलेश
कमलेश साहू निवासी डांगियों ककुड़ा ने 6 जनवरी को मामला दर्ज करवाया था। कमलेश शादी नहीं होने से परेशान था। करीब 1.5 साल पहले 2 परिचित महिलाओं ने MP के इंदौर में रहने वाली पूजा के बारे में उसे बताया। कमलेश पूजा के घर पहुंचा। इस दौरान पूजा चौधरी ने बताया कि उसके पिता का निधन हो गया है, उस पर 3 लाख का कर्जा है, यदि वह कर्जा चुका देगा तो वह शादी कर लेगी। पूजा ने माँ लक्ष्मी और प्रेमी अशोक को भाई बनाकर मिलवाया। बात तय होने पर 1 दिसंबर 2021 को शादी कर ली। कोर्ट में शादी भी रजिस्टर्ड करवाई गई। शादी के समय कमलेश ने पूजा को 3 लाख रुपए और ज्वेलरी दी। शादी के 3 दिन बाद ही दुल्हन पूजा ने अपनी मां को फोन का हवाला दिया और चाचा की तबीयत खराब होने की बात कही। इस पर पूजा पति कमलेश से 1 लाख रुपए और ज्वेलरी बैग में भरकर अकेली चली गई थी। 2 दिनों तक पूजा कमलेश से तबीयत में सुधार होने की बात कहते हुए उसे गुमराह करती रही थी। 5 दिसंबर को कमलेश ने पूजा को फोन किया, उसे नहीं उठाया। इस पर कमलेश अपने मित्र मनोहर के साथ उसके इंदौर के घर पहुंचा तो देखा कि वहां ताला लगा था। फोटो आसपास के लोगों को दिखाया तो सभी ने पहचानने से इनकार कर दिया। ठगी की आशंका पर कमलेश पुलिस थाने पहुंचा और मामला दर्ज करवाया। हेड कांस्टेबल नारायण सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने दबिश देकर लुटेरी दुल्हन पूजा और उसके प्रेमी अशोक बनेरिया को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि पूजा और उसके परिवार वाले इस तरह की वारदातें कर चुके हैं। पुलिस थाना परदेसीपुरा इंदौर में मामला दर्ज है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी अशोक और पूजा दोनों एक ही गांव के हैं और प्रेमी प्रेमिका हैं। दोनों साथ रहते हैं। कमलेश से शादी का समय आया तो अशोक ने अपने आप को पूजा का भाई बता दिया और शादी के बाद उदयपुर आ गया। शादी के 3rd ही दिन पूजा के घर से निकलते ही अशोक उसे मिला और इंदौर लेके चला गया। बताया जा रहा है कि फरार होने के बाद प्रेमी प्रेमिका साथ में किराए पर कुछ दिन रहते और ठगी के बाद घर खाली करके चले जाते हैं। यदि हमारे यहाँ भी भूकंप के झटके आ जाएं और इससे इमारतें आदि गिरने लगे, जन धन हानि होने लगे, बाद की स्थिति से कैसे निपटा जाए? चित्तौड़गढ़ में NDRF की बटालियन ने मंगलवार को पूरे साजो सामान के साथ इसके मॉकड्रिल किए। वास्तविक भूकंप नहीं आया पर सरकारी मशीनरी व लोगों को ऐसी आपदा के समय जरूरी जागरूकता व बचाव के तौर पर तरीके बाकायदा लाइव डेमो में भी समझाए गए। प्रशासन और कई विभागों के अधिकारियों के साथ SP प्रीति जैन ने भी पूरा डेमो देखा और समझा। भूकंप जैसी आपदा पर जिले में यह पहली मॉक ड्रिल थी, जो दुर्ग स्थित फतेह प्रकाश महल प्रांगण में NDRF कमांडेंट 6 वाहिनी अजय कुमार तिवारी अजमेर के निर्देशानुसार हुई। सुबह 11:30 बजे से 2 घंटे के डेमो में समझाया गया कि भूकंप के जोरदार झटकों के बाद की स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन, होमगार्ड, स्काउट, NCC, चिकित्सा विभाग, नगर निकाय आदि किस तरह के लोगों को बचा सकते हैं, जनधन हानि को कम कर सकते हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि NDRF ऐसे समय पर कैसे काम करती है, ये भी बताया गया। सहायक कमांडिंग ऑफिसर प्रभारी अधिकारी योगेश कुमार मीना एवं निरीक्षक सुरेश कुमार गुजर के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम ने बचाव कार्यों, मौका अभ्यास का प्रदर्शन किया। SP प्रीति जैन, SP कैलाश दास संधु, ADM ज्ञानमल खटीक, तहसीलदार शिव सिंह, नप आयुक्त रिंकल गुप्ता, GTO मनीष शर्मा, CMHO डॉक्टर रामकेश गुजर, जल संसाधन एकसिन राजकुमार शर्मा, पर्यटन अधिकारी विवेक जोशी, PWD एकसिन राजकुमार शर्मा, RTDC प्रबंधक रवि चतुर्वेदी, MO डॉक्टर रितु, पुलिस वन विभाग, नेहरू युवा केंद्र के अधिकारी, फायर ब्रिगेड की टीम वहां मौजूद रही। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आए और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें, हम है ना, अपना इवेंट SK इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। बांसवाड़ा में बहन की शादी के 15 दिन बाद ही साले ने जीजा की पिटाई कर दी। पिटाई से जीजा की पूरी पीठ लाल हो गई। बहन से शादी कराने के लिए लड़के के परिवार से 50,000 रुपए लिए थे। पिटाई से पहले जेवर भी रख लिए थे। जाते हुए बहन को भी जबरदस्ती साथ ले गया। जीजा ने बांसवाड़ा के कुशलगढ़ थाने में मामला दर्ज करवाया है। खेरपुर के रहने वाले शैलेश पुत्र काला कतीजा ने बताया कि बांसड़ी बिजोरी निवासी मंजुला के साथ 21 जनवरी को उसकी शादी हुई थी। शादी से पहले शैलेश के पिता काला ने उसकी बहू को चांदी के 1 जोड़े कड़े, 1 साकली यानी कि गले में पहनने वाली, 1 कंदौरा, 1 जोड़ी पाइजेब, बंगड़िया तथा सोने का नाक का बाला दिया था। शादी के लिए काला ने दौल सिंह को 50,000 रुपए नकद भी दिए थे। विदाई से पहले ससुर दौल सिंह ने बेटी को चढ़ावे में दिए गए सभी जेवर रख लिए। इस बीच मंजुला का भाई शंकर पुत्र दौल सिंह 7 फरवरी की शाम करीब 5 बजे खेड़पुर आया। उसने आते ही शैलेश के साथ मारपीट और गाली गलौज शुरू कर दी। दांत, घूंसों और लट्ठों से शैलेश को अधमरा कर दिया। स्थानीय अन्य लोगों ने बीच बचाव किया। बात यहां खत्म नहीं हुई। आरोपी शंकर यहां से उसकी बहन मंजुला को भी जबरदस्ती साथ ले गया। इधर कुशलगढ़ थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बांसड़ी बिजोरी निवासी शंकर भाबोर चोरी सहित कई मामलों में नामजद है।
वह आतंक किस्म का अपराधी है जो अक्सर इस तरह की वारदात करता है। पुलिस ने फिलहाल पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज की है। अलवर में 105 साल की रूपा देवी की अंतिम विदाई चर्चा में है। आरती को भी फूलों और गुब्बारों से सजाया गया। शव यात्रा में बैंड बाजे पर बॉलीवुड के सॉन्ग बजाए गए। गांव में पहला मौका था जब महिलाएं भी शव यात्रा में शामिल हुई। मामला मालाखेड़ा के पृथ्वीपुरा गांव का है। 105 साल की रूपा देवी लता मंगेशकर की जबरदस्त फैन थी। परिजनों ने बताया कि वे उस दौर की थी जब वे ज्यादातर उनके गाने ही सुनती थी। कुछ दिन पहले लता दीदी की मौत की खबर सुन वे परेशान होने लगी। मंगलवार को जब उनकी मौत हुई तो बेटों और पोतों ने तय किया कि उनकी अंतिम विदाई में लता के गाने चलेंगे। इसे ग्रामीणों के सामने भी रखा। सभी की सहमति के बाद अंतिम यात्रा में बैंड बाजे पर बॉलीवुड सॉन्ग के साथ लता दीदी के ए मेरे वतन के लोगों और हम छोड़ चले हैं महफिल जैसे गाने बजाए गए। परिजनों ने बताया कि इस उम्र में भी उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। एक दिन पहले खाना छोड़ दिया जिसके बाद तबीयत खराब हो गई। दरअसल शव यात्रा में महिलाओं के जाने का रिवाज नहीं है, फिर भी रूपा देवी की अंतिम विदाई में गांव के सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई। ग्रामीणों ने बताया कि रूपा देवी ने कभी परिवार से सेवा नहीं करवाई। इस उम्र में भी वे अपना काम खुद कर लेती थी। यहां तक कि गांव में सबसे ज्यादा कपड़े दान किए थे। आखिरी वक्त में उसने चारों बेटों को बुलाया और यही कहा कि मिलजुल कर खुश रहना। रूपा देवी का परिवार काफी बड़ा है, वे 7 पीढ़ियां देख चुकी थीं। रूपा देवी के 4 बेटे हैं, 17 पोते, 34 पड़पोते, 6 सड़पोते। महिलाएं अलग हैं, 3 बेटियों का परिवार भी अलग है। पूरे परिवार के सदस्यों की संख्या 150 के आसपास है। परिवार में 18 साल से अधिक उम्र के वोटर की संख्या भी 82 है। बड़े बेटे रामजीलाल की उम्र 80 साल है। 3 बेटे भी 70 साल से अधिक उम्र के हैं। इस परिवार की खासियत यह है कि गांव में सरकारी नौकरी में सबसे अधिक रूपा देवी के पोते पड़पोते हैं। कुल 15 लोग सरकारी नौकरी में हैं, जिसमें से 11 पुलिस में हैं। 4 अन्य सरकारी सेवा में भी हैं। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। बार एसोसिएशन सलूमर के अधिवक्ताओं ने निर्धारित कार्यक्रम आंदोलन के तहत उपखंड कार्यालय परिसर में उपखंड कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ताओं ने 7 तारीख को न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया तथा यह संकल्प भी दोहराया कि प्रति माह 7 तारीख को जब तक TSP क्षेत्र में या उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना नहीं हो जाती या सरकार के द्वारा इसकी घोषणा नहीं कर दी जाती, तब तक बार एसोसिएशन सलूमर द्वारा लगातार अनवरत इस आंदोलन को गति देने के हर संभव प्रयास करती रहेगी। विभिन्न वक्ताओं ने आंदोलन को लेकर तथा क्षेत्र की जनता को हाईकोर्ट बेंच दी जाए की मांग पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। बार एसोसिएशन सलूमर की कार्यकारिणी के द्वारा आयोजित धरना व उपखंड अधिकारी दिनेश धाकड़ को ज्ञापन देने के पश्चात उपस्थित अधिवक्ता बार अध्यक्ष राकेश पुरबिया ने कहा कि हाईकोर्ट बेंच हमारा अधिकार है। हमारे मेवाड़ में आजादी के पूर्व और उसके बाद भी हाईकोर्ट कार्यरत थी, वही हम मांग रहे हैं। ये कोई नई मांग नहीं है और TSP क्षेत्र की जनता गरीब जनता है। जो जनता जोधपुर जाकर अपने मूल अधिकारों की रक्षा और अपीलीय न्यायालय में कई मामलों में न्याय से वंचित रह रही है, जिसके लिए हमारी TSP क्षेत्र की मांग है। इसमें हमारा बार एसोसिएशन हमेशा अग्रणी रहकर इस आंदोलन में लगातार कार्यरत रहेगा। जब तक हमारी वाजिब मांग को पूरा नहीं कर दिया जाता, सचिव भगवती लाल सुथार ने बताया कि क्षेत्र की जनता के लिए हाईकोर्ट बेंच आवश्यक है, जिसके विभिन्न कारण हैं और सभी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक सभी हमने ज्ञापन में बता दिए हैं और आवश्यकता पड़ने पर बार एसोसिएशन और संघर्ष समिति की कमेटी मुख्यमंत्री से मिलने जयपुर भी जाएगी। धरने में लक्ष्मीलाल पुरबिया, अब्दुल रऊफ खान, गेबीलाल मेहता, देवीलाल डांगी, सुनील चंचावत, राजकुमार जैन, वित्त सचिव केशव पटेल, बार उपाध्यक्ष मांगीलाल मीना, संजय मेहता, विजेश बलवाड़ा, राकेश जैन, प्रभुलाल मीना, जितेंद्र वैष्णव, सुरेश पुरी, रंजीत पुरबिया, राहुल आगाल, नारायण सिंह चुंडावत, प्रकाश चौबीसा, राकेश प्रजापत, नाहर सिंह चुंडावत, राजेंद्र जैन, भगवंती मीना आदि उपस्थित थे। बार एसोसिएशन ने हर माह 7 तारीख को उक्त आंदोलन को चलाए रखने और न्यायिक कार्य का बहिष्कार किए जाने के कार्यक्रम को यथावत रखने का प्रण लिया। साथ ही आगामी 7 तारीख को स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जुटाकर एक बड़े मंच से सरकार को चेतावनी स्वरूप धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें सलूमर क्षेत्र के समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड पंच एवं विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता व उदयपुर जिले के सभी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व हाईकोर्ट संघर्ष समिति के सदस्यों आदि को बुलाकर और विभिन्न माध्यम से इस आंदोलन को गति प्रदान कर सभ्य या उग्र जैसी भी परिस्थिति हो, हर तरीके से लगातार इस आंदोलन को चलाए रखेंगे। यहां की जनता को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध होने के लिए हाईकोर्ट बेंच मिलने तक प्रयास और आंदोलन जारी रहेंगे। उदयपुर जिले के सलूमर नगर के उचित मूल्य की दुकान में बाईपास प्रक्रिया से गेहूं गबन मामले में आरोपी राशन डीलर के बाद अब पुलिस ने उपखंड कार्यालय के सहायक प्रशासनिक अधिकारी को गिरफ्तार किया है। सलूमर नगर के राशन डीलर
कलेक्टर महिपाल जैन के खिलाफ अप्रैल में सलुम्बर थाना पुलिस ने बाईपास प्रक्रिया से गेहूं गबन का मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोपी राशन डीलर महिपाल जैन को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर चुकी थी, जिसे न्यायालय ने जेल भेज दिया। गौरतलब है कि आरोपी राशन डीलर के हाईकोर्ट से भी अग्रिम जमानत खारिज हो गई थी। प्रकरण में पुलिस अनुसंधान के दौरान पाया गया कि राशन डीलर आरोपी ने उपखंड कार्यालय के सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं उपखंड कार्यालय में राशन प्रभारी फिरोज अली पुत्र लियाकत अली निवासी सलुम्बर के सहयोग से 121 राशन कार्ड का बाईपास तरीके से 131,174 किलोग्राम गेहूं ओटीपी लेकर उठा लिया तथा उपखंड कार्यालय में राशन कार्ड धारकों के उपखंड कार्यालय में बिना आवेदन बाईपास प्रक्रिया करके गेहूं का गबन करने में सहयोग किया। पुलिस ने आरोपी फिरोज अली को सोमवार को गिरफ्तार करके उदयपुर न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायालय के आदेश पर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी महाराज के सानिध्य में चल रहे सिद्ध चक्र महामंडल विधान के दौरान तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर महाराज का अवतरण दिवस और आचार्य सुनील सागर जी महाराज का आचार्य पद आरोहण दिवस विविध धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मनाया गया। प्रातः आचार्य श्री के सानिध्य में श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर में मुख्य वेदी का शिलान्यास हुआ। मुख्य शिलान्यास रमेश कुमार जयंतीलाल मोहनलाल केलावत ने किया। आचार्य आदिसागर शिला महावीर यश बंगोरिया परिवार सहित 8 दिशाओं की शिलाओं की स्थापना के साथ नवीन वेदी निर्माण की शिलाएं स्थापित की गई। इस अवसर पर आचार्य सुनील सागर महाराज ने कहा कि तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर महाराज कठोर तपस्वी संत थे, जिन्होंने अपनी तपस्या जीवन में 10,000 उपवास किए। उनका त्याग और अनुशासनमय जीवन सभी के लिए प्रेरणा है। उन्होंने 150 से अधिक जैनेश्वरी दीक्षा देकर भव्य जनों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया। मुनि शुभम सागर महाराज ने भी प्रवचन किए। समारोह में आचार्य सुनील सागर महाराज द्वारा विरचित धार्मिक ग्रंथों का विमोचन हुआ। इस अवसर पर आदिसागर अंकलीकर जागृति मंच की राष्ट्रीय अध्यक्षा प्रेरणा शाह, विशाल कराड़िया, काजल गोवाड़िया, शांतिलाल गणावत, रोशन केलावत, गोकुल चंद मालवी, मोहनलाल मालवी, लक्ष्मीलाल ममोरिया, श्रेणिक भूता, कालूलाल, रोशनलाल भोजावत, मांगीलाल, जमक सुमावत, जमक शेरावत सहित जगत उदरथा, गिंगला खरका, उदयपुर बांसवाड़ा, मुंगाड़ा, नरावली, धरियावत, भिंडर सहित कई स्थानों के शावकगण मौजूद थे। प्रवक्ता अनिल स्वर्कार ने बताया कि समारोह में आचार्य सुनील सागर महाराज ने दो दीक्षार्थी मुंगाड़ा निवासी ब्रह्मचारिणी सूर्यकांता दीदी और नरवाली निवासी ब्रह्मचारिणी सुगंधा दीदी को शुल्लिका दीक्षा प्रदान कर क्रमशः सूरजमती माताजी और सुगंधमती माताजी नवीन नामकरण किया। मुख्यालय के समीपवर्ती बनोड़ा ग्राम पंचायत के सेदड़ी गांव से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पहुंचने के लिए पक्की सड़क बनाने उदयपुर सांसद अर्जुनलाल मीना ने गांववासियों की मांग पर सांसद मद से 20 लाख रुपए की घोषणा की। जानकारी अनुसार बबराना मंडल के महामंत्री अंबालाल कलाल, सरपंच प्रतिनिधि दंडिगा राम दर्जनों ग्रामवासियों के साथ नए बाईपास पर सांसद मीना से भेंट की और विद्यार्थियों के साथ आमजन की समस्या से अवगत कराया। पुरानी लंबित समस्या को ध्यान में रखकर सांसद ने सांसद निधि से सड़क बनाने की घोषणा की। इस दौरान प्रदेश प्रतिनिधि प्रमोद सामर, जिलाध्यक्ष भंवर सिंह पंवार, उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली, तखत सिंह, पूर्व सांसद फाली पुष्कर जैन, नरेंद्र कुमार पटेल, धूडीराम वाकलिया, वानजी केवाराम धनावत, गौतमलाल लोहार एवं समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। उदयपुर जिले का सबसे बड़ा उपखंड और आदिवासी क्षेत्र सलुम्बर, जिसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है तथा जिला मुख्यालय से दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। विगत 40 वर्षों से सलुम्बर क्षेत्रवासियों की राजसमंद जिला बनाने के पूर्व से ही जिला बनाने की मांग रही है और कई बार चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा इस क्षेत्र को जिला बनाने का आश्वासन भी दिया गया, किंतु सलुम्बर जिला नहीं बन पाया। इस आदिवासी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु सलुम्बर को जिला बनाया जाना नितांत आवश्यक है। सलुम्बर पर्यटन की दृष्टि से भी राजस्थान में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ की राजस्व आय भी काफी अच्छी है। इसी तरह आगामी बजट एक सत्र में सलुम्बर को जिला बनाने की घोषणा की जाए। सलुम्बर धरियावद मार्ग काफी व्यस्त मार्ग है और इस क्षेत्र में लोगों के आने जाने हेतु परिवहन साधनों की कमी है। 20 वर्ष पूर्व यहां 3 बस चलती थी, परंतु वर्तमान में निजी बस संचालकों की दबंगई के कारण सरकारी रोडवेज बस बंद हो गई है। निजी बस संचालकों द्वारा आदिवासी लोगों से मनमाना किराया वसूल किया जाता है तथा परिवहन नियमों का उल्लंघन कर आवश्यकता से अधिक सवारियां बसों में बिठाई जाती है। लोग जान में जोखिम डालकर यात्रा करते हैं। इस मार्ग पर रोडवेज बस की नितांत आवश्यकता है। इस कारण इस मार्ग पर रोडवेज की 2 बसें नियमित चालू किए जाने का प्रबंध किया जाए। मांगों का शीघ्र निस्तारण कर सरकार की दूरगामी साख को बचाने का श्रम कराएं, अन्यथा क्षेत्र के लोगों को द्वारा आंदोलन भी किया जाएगा। राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह पर राज्य सरकार उर्स की अनुमति दे सकती है, तो फिर वागड़ प्रयाग बेणेश्वर धाम के बेणेश्वर मेले को किस आधार पर अनुमति नहीं दी जा रही। उक्त बात भाजपा उदयपुर देहात जिला उपाध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी ने राज्य सरकार के दोहरे मापदंड को लेकर आक्रोश प्रकट करते हुए कही। जिला उपाध्यक्ष जोशी ने कहा कि एक ही राज्य में 2 आदेश कैसे लागू हैं, जब अजमेर में कोविड गाइडलाइन की पालना के आधार पर दरगाह को धर्मावलंबियों हेतु खोला जा चुका है, अनुमति दी जा चुकी है, तो ऐसे में उन्हीं नियमों के आधार पर डूंगरपुर के सागवाड़ा स्थित बेणेश्वर धाम में भी धार्मिक आयोजन की अनुमति सरकार दे।
जोशी ने कहा कि बेनेश्वर धाम मालवा गुजरात व राजस्थान के लाखों धर्मावलंबियों का आस्था का केंद्र है और यहाँ पर माघ पूर्णिमा को सनातन धर्मी पितरों हेतु उत्तर दिया करते हैं। इसके साथ ही जनजाति अंचल की आस्थाएं त्रिवेणी संगम के प्रतिवर्ष होने वाले इस आयोजन से जुड़ी है। जोशी ने कहा कि इस संबंध में भाजपा उदयपुर देहात जिलाध्यक्ष भंवर सिंह पवार के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर मांग की जाएगी। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें, हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहे, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।